अमरौती जिले के अचलपुर तालुके में अचलपुर जिला नव निर्माण विकास समिति की ओर से घरकुल योजना हेतु पिछले लगातार एक साल से इस संदर्भ में आंदोलन कर प्रशासन से जागरूकता लाने हेतु वो प्रशासन ने रमई आवास योजना के नागरिकों को उसका लाभ देने हेतु विविध तरीके के आंदोलन किए गए थे। इसके लिए समिति के अध्यक्ष रवि वानकड़े ने नियमित रूप से प्रशासन को पाठ पुरावा किया था। इसके चलते 8 अगस्त गुरुवार के दिन रमई आवास योजना के लाभार्थियों को पहले टप्पा स्वरूप 75,000 रुपए की राशि उनके खातों में जमा की गई। इस बात की खबर जैसे ही लाभार्थियों को मिली तो उन्होंने तुरंत ही अचलपुर जिला नव निर्माण समिति के अध्यक्ष रवि वानखड़े को जाकर इस बात के हेतु बधाई दी, किन्तु रवि वानखड़े ने कहा कि मेरा काम है गरीब एवं गरजू लोगों की सहायता करना और आने वाले समय में रमई अंबेडकर आवास व प्रधानमंत्री आवास योजना के हेतु जो लाभार्थियों को गरज है उनके लिए भी मैं आगे प्रशासन के लिए पाठ पुरावा करूंगा और सभी को ये आर्थिक मदद दिला कर रहूंगा। रवि वानखड़े ने इस समय ये भी कहा कि मुझे समस्त नागरिकों का आशीर्वाद चाहिए कि मैं इसी तरीके से उनके लिए सेवा करता रहूं। नमस्कार, अचलपुर जिल्हा निर्माण विकास समितीच्या वतीनं अचलपूर जुळ्या नगरीतील घरकुल वंचित लाभार्थ्यांसाठी जे आंदोलन उभारण्यात आलं होतं त्यासाठी आमचे समस्त पदाधिकारी गेल्या वर्षापासनं जे पाठपुरावा करत होते त्याचाच लाभ वंचितांना आज दिनांक 8/8/2019 रोजी मिळाला। प्रत्येक 25 लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये 75,000 रुपये जमा झाले। या सर्व गोष्टीचं श्रेय आमच्या समितीच्या समस्त पदाधिकाऱ्यांना जाते। त्याचबरोबर आमच्या लढ्याला व आमच्या मागणीला जे नगरपालिका प्रशासनानं मंजुरी दिली व वंचितांच्या भावना समजून घेतल्या त्यासाठी मी नगरपालिका प्रशासनाचं आमच्या समितीच्या वतीनं आभार मानतो। आणि आता फक्त रमाबाई आवास योजनेचे जे 25 लाभार्थी आहेत त्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या, आणखी काही लाभार्थी राहिलेले आहेत त्यांच्यासाठी सुद्धा आमचा लढा चालूच राहील। आणि जे प्रधानमंत्री आवास योजनेचे जे लाभार्थी आहेत ज्यांचा अजूनपर्यंत तिसरा टप्पा मिळाला नाही किंवा इतर वंचितांना त्या प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ मिळाला नाही त्यासाठी आमचा लढा असाच राहणार आहे। रवि वानखडे के साथ में इस समय बबलू वानखडे, रविंद्र गवई, सुमित मोहोळ, अमित इंगळे, फिरोज खान, तमिश शाह, गणेश टापरे, अमोल धोत्रे एवं भव्य संख्या में वंचित लाभार्थी भी उपस्थित थे। विशेष न्यूज के लिए अचलपुर से मोहम्मद अजहरुद्दीन।